असलम वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब आज के इस लेक्चर में नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर है फोर टॉपिक है कनेक्टिव टिशू दिस टिशू विच कनेक्ट्स और बाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड कनेक्टिव टिशू ये टिशू जो है टिशूज़ की वो किस्म है जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट करती है उनको बाइंड करती है ठीक है दे ऑल्सो बाइंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी विद ईर अब ये जो है जो डिफरेंट टिश्यूज बॉडी में मौजूद है उनको भी बाइंड करती है ठीक है कनेक्टिव टिश्यूज होल्ड स्ट्रक्चर इन द बॉडी टूगेदर सच एस टेंडेंट अब कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन काम होता है वो जिसम में मुख्तलिफ साखों को थामे रखना उनको होल्ड करके रखना ताकि वो सही से अपना काम अंजाम दे सकें जैसे कि टेंडन टेंडन जो है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू ही होता है जो कि जो गोश्त होता है उसको हड्डी से जोड़ के रखता है तो इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखता है फिर आ, कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस एंड कैन रेंज from सेमी सॉलिड टू अ flexible मैट्रिक्स कार्टिलेज जो है वो एक ऐसा कनेक्टिव tissue है जो कि सहारा देता है यानी ऐसा टिश्यू जो कि सहारा दे ये जो है इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं कार्टिलेज में महदूद अशिया पाई जाती हैं यानी कि लिमिटेड सब्सटेंस पाए जाते हैं और ये जो है ये नीम ठोस यानी के सेमी सॉलिड होते हैं और फ्लेक्सीबल मैट्रिक्स यानी लचकदार मैट्रिक्स की शक्ल के होते हैं बोन इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू अब बोन जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सहारा फराहम करता है बोन कैन बी कॉम्पैक्ट डेंस और एंड द ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स सेल्स अब ये जो हड्डी है वो तो बहुत ज्यादा डेंस हो सकती है या फिर स्पोंजी भी हो सकती है और इसमें ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट मौजूद होते हैं अब जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है लोंगीटनल सेक्शन ऑफ बोन और यह है एडिपोज टिश्यू सो एडिपोज इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू डेट प्रोवाइड्स कुशंस एंड स्टोर एक्सेस एनर्जी एंड फेट एडिपोज भी टिश्यू की एक ऐसी किस्म है जो कि सपोर्ट फ्राहम करता है और जो कि कुशंस की जो साख्त होती है यानी कि कुशंस जैसे सहारा देते हैं कुशंस की जो साख्त होती है वो मुहैया करती है और साथ ही जो इजाफी एनर्जी और इजाफी जो फैट होता है उसको भी स्टोर करती है ब्लड रेफर टू एज कनेक्टिव टिशू इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लुइड कनेक्टिव टिशू अब खून भी एक कनेक्टिव टिशू है आ, बट खून जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिशू है क्योंकि खून लिक्विड होता है इसलिए ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिशू है जैसे कि ब्लड सेल्स यहाँ पर हैं जैसे प्लाज्मा है वाइट सेल्स हैं प्लेटलेट्स हैं एंड रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि ये खून के सेल्स हैं तो आई होप के लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आपने से करना है लाइक शेयर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़